এখানে সাধকের কমলাকান্তের প্রতিষ্ঠিত কার কমলাকান্ত হ্যাঁ সাধক কমলাকান্ত প্রতিষ্ঠিত ভক্ত কবি কমলাকান্ত কে প্রতিষ্ঠিত ইয়ে মন্দির হে আর ये माता जी की माता रानी की जो मूर्ति है उनका आराध्या देवी थी। अब बोलिए हाँ। ये कितने साल का पुराना है? बारह सौ तेरह का ये मंदिर है और ये प्रतिष्ठित देवी है, माता रानी की मंदिर है, माँ काली की मंदिर है और ये उनका साधना स्थल थी। लेकिन अब बंद है, आज 12 बज चुका है तो ये बंद है। वहीं पर उनका भक्त कमलाकांत जी का साधन पीठ है, वहाँ पर दिन में आने से दिखता है। ओ उनका भक्त कमलाकांत महाराज जी की ये समाधि क्षेत्र है बेटा। ओहो उनके समाधि के ऊपर, समाधि स्थल के ऊपर माता रानी की मंदिर बन, माता रानी की मूर्ति लगाई गई है। माता रानी भक्त कवि कमलाकांत जी के समाधि के ऊपर ये है समाधि, और ये है समाधि तो उनके ऊपर माता जी विराज रही है। कमलाकांत गंगा की करे किरकम ये कमलाकांत भक्त कवि कमलाकांत जी के ये गंगा, वो गंगा को आह्वान किए थे और तब से इसके अंदर गंगा बह रही है। उन्होंने ऐसे बोले थे कि मैं माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, माता गंगा माता खुद मेरे पास आएगी, तो यहीं से बहने लगी है माता रानी गंगा माई। ये उनको घेरा डाल के रखा हुआ है, ये बहुत ही पावन जगह है। हम हमारे सौभाग्य है कि हम यहाँ पर आके देख रहे हैं ये सब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।